हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारे प्रत्येक वीडियो की इंफॉर्मेशन। नॉलेज की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि कोई बात अपराध होते हुए भी कम अपराध नहीं है। अपराध अर्थात ऑफेंस क्या है, इसका यहाँ इंटरप्रिटेशन करना संभव नहीं है, फिर भी अपराध शब्द को समझना बेहद आवश्यक है। देखिए, अपराध शब्द के अंतर्गत हर वह बात आती है जो किसी भी प्रकार के कानून द्वारा दंडनीय बनाई गई है, जैसे चोरी करना भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 379 के तहत दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार जो कोई चोरी करेगा तो वह उस दशा में अपराध कारित करेगा। साधारणतः जब कोई व्यक्ति कोई एक्ट अर्थात कार्य करते हुए पाया जाता है जो किसी अपराध का गठन करता है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को उसके उस कार्य अर्थात अपराध के लिए दंडित किया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति का कोई कार्य यानी एक्ट या ओमिशन अपराध होते हुए भी अपराध नहीं होता। भारतीय दंड संहिता 1860 अर्थात इंडियन पेनल कोड, जिसे शॉर्ट में आईपीसी भी कहा जाता है, यह कुछ ऐसे एक्ट या ओमिशन की बात करती है जो अपराध तो है किंतु उनके लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। आइए हम ऐसे ही कुछ सर्कमटेंसेस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 87, 88, 89 में ये प्रावधान किए गए हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति की सहमति से उस व्यक्ति के फायदे के लिए की जाती है। जैसे 5 व्यक्ति किसी खेल को खेलने के लिए सहमत होते हैं और खेल के दौरान उनमें से एक व्यक्ति के दुर्घटनावश चोट लग जाती है, यहां उस व्यक्ति के लगी चोट के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक डॉक्टर पीड़ित का इलाज उसकी या उसकी ओर से सहमति देने वाले किसी व्यक्ति की सहमति पर इलाज करता है, या यदि पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के इलाज के किसी एक्ट द्वारा और ज्यादा घायल हो जाता है तो भी यहां डॉक्टर का कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से किए जाने के कारण अपराध नहीं है। और यहां यदि डॉक्टर पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजनों की सहमति के बिना भी पीड़ित का इलाज करता है और इलाज के कारण मरीज की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार यदि डॉक्टर के लिए पीड़ित और उसके परिजन की सहमति प्राप्त करना संभव नहीं हो तो डॉक्टर का ऐसा कार्य अपराध नहीं होता है। पागल व्यक्ति का कार्य, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 84 के अनुसार कोई भी ऐसा एक्ट जो अपराध का गठन तो करता है लेकिन पागल व्यक्ति अर्थात अनसाउंड माइंड द्वारा किया गया है तो उसके लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो मत्ता अर्थात नशे में है, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 85 के अनुसार इंटॉक्सिकेटेड यानी बहुत ज्यादा नशे में होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो अपराध तो है लेकिन फिर भी उसे उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात नशे की हालत में किया गया अपराध भी अपराध नहीं रहता, लेकिन ऐसा तभी जब ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बिना या अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे की हालत में आया हो, जिसके कारण नशे में होने वाला व्यक्ति यह समझ पाने में असमर्थ हो कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है अर्थात अपराध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई भी एक्ट या ओमिशन जो किसी अपराध का गठन करता है अपराध नहीं रह जाता यदि वह प्राइवेट डिफेंस अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया है। इसे हम इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति आपको मारने आता है, इस बात का आपको आभास हो जाता है, वह जैसे ही बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करता है आप अपने पास पड़ी तलवार उसकी ओर फेंकते हैं जिससे उसका हाथ कट जाता है और गोली आपको नहीं लगकर दीवार पर जा लगती है। यहां आपने उस व्यक्ति का हाथ काटकर कोई अपराध नहीं किया क्योंकि यहां आपका एक्ट प्राइवेट डिफेंस में किया गया है। शिशु द्वारा किया गया कार्य, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 के अनुसार कोई भी एक्ट जो 7 वर्ष या उससे कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है और वह अपराध है तो भी उस शिशु को उसके लिए इस एक्ट के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही यदि शिशु की आयु 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम है तो ऐसे में यदि उस शिशु की समझ इतनी परिपक्व नहीं है अर्थात वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि वह जो कुछ कर रहा है अपराध है या वह जो भी कोई एक्ट करेगा उससे कोई अपराध घटित होगा तो भी ऐसे बालक को उसके कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज हमने यह जाना कि सहमति से या सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य या अनसाउंड माइंड द्वारा किया गया एक्ट या नशे में होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया एक्ट या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन किया गया एक्ट या शिशु द्वारा किया गया एक्ट
अपराध होते हुए भी अपराध नहीं है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लेक्चर लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।